तो मेरा नाम है सोनपाल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानकारी लो फटाफट। दोस्तों आज की वीडियो हमें हम बात करने वाले हैं, आप मेरा थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि मैं किस टॉपिक पर आज वीडियो बनाने वाला हूं। दोस्तों आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आप इस तरीके की फ़ोटो, आप अगर इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देख लेंगे तो इस तरीके की फ़ोटो बनाना सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के बाद में आपको किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही आसान तरीके से इसको जो है इस फ़ोटो को बना सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई प्रकार इस वीडियो को देखने बाद आपको किसी भी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस फोटो को बनाने के लिए आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक इस तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका इंटरफेस होगा, इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको करना क्या, आपको इसको जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों मैं आपसे पहले ही बता दूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आप कहोगे कि बाद में मेरे कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो को ले लीजिए, जो फोटो आप जिसका जो है आप फोटो बनाना चाहते हैं इस तरीके से, पे आप जो फोटो इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो उस फोटो को यहाँ पर आपको ले लेना है। जैसे कि मैंने यह वाला यहाँ पर इस तरीके से ये फोटो ले लिया है, तो इस तरीके से अपने पिक्सआर्ट में इस फोटो को ले लेना है। तो इस तरीके से फोटो लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से कर लेना है, यहाँ पर आपको एक इफेक्ट का आइकन दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट का आइकन दिख रहा है, आप सिंपली इफेक्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा यहाँ पे कलर इफेक्ट बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, वेट करने के बाद इसका बैकग्राउंड बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाते हैं, आप जो चाहें वो एक से एक अच्छा यहाँ पर अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो आपका फोटो कुछ इस प्रकार सब बनकर तैयार हो जाएगा, आप जब इस वाले इफेक्ट पे जो है टैप करोगे तो इस तरीके से आपका फोटो बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों अभी ये फोटो आपका फोटो आपका बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो सिंपली अभी मैं इसमें काम करना बाकी है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे चश्मा भी नहीं लगाया है और मैंने ये टी शर्ट जो है वो और कलर की पहन ली है, इसको हम दूसरी कलर में भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे करना क्या होगा आपको, अब यहाँ पे एक प्लस वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पे ऐड फोटो पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वही वाला फिर से एक फ़ोटो ले लेना है जो मैंने अभी लिया था, वही फ़ोटो लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको वही फोटो फिर से लेना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक कैंची का आइकन दिख रहा होगा, इस कैंची वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद अब इसको हम इस तरीके से इरेज कर लेंगे। इस तरीके से कि सिर्फ हमें यही वाला इफेक्ट चाहिए और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, बैकग्राउंड को हमको नहीं चाहिए, सिर्फ यही वाला इतना ऐसा इफेक्ट मुझे चाहिए। तो इस तरीके से करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इसका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है तो फिर से हम यहीं पे पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करेंगे और पेंसिल वाले निशान पे इस तरीके से कर लेंगे। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ओवर साइज कहीं पर अगर आ गया तो यहाँ पर आप क्लिक सकते हैं रबड़ वाले निशान पर, यहाँ पर तो इस पर रबड़ भी को यहाँ पर मिठा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टोपी के पास भी यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। इस तरीके से सही करने के बाद देन आपको सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली दोस्तों इसको जूम कर लेना है और बैकग्राउंड में जो फोटो उसी फोटो का इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना है। तो इस तरीके से सेट करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सही वाले इंसान पे फिर से टिक कर देना है। आप सही वाले इंसान पे फिर से टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार इंटरफेस होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकिए, वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, नहीं आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे काली टी शर्ट पहना हुआ हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई भी टी शर्ट का कलर चेंज करना चाहूँ तो कैसे कलर चेंज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से नीचे की ओर बढ़ा लेना है, तो यहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा ड्रॉ का, तो ड्रॉ का आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेंसिल वाले निशान पर टिक कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कॉर्नर में आप कोई भी कलर की आप जो चेंज करना चाहते हो, मैं उसी भी कलर को मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। अब कलर चूज़ करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको सही टिक पहले निशान पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही इस तरीके से करेंगे तो आपका जो टी शर्ट का कलर चेंज हो जाए। तो इस तरीके से आपको जूम कर लेना फोटो को, और फोटो को जूम करने के बाद इस तरीके से हम इस तरीके से कर लेंगे। आप बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करिएगा क्योंकि आपका फोटो बनके अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जल्दी में करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। तो मैं हर एक चीज़ पॉइंट बाई पॉइंट से आपको बताऊँगा किस तरीके से आप हर चीज़ को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फोटो को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं फ़ोटो को जो यहाँ पर कर लेता हूँ, तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपको इसमें कर सकते हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों, ये अच्छे तरीके से काम करता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से आप बहुत ऐसा धीरे धीरे करिएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आप गड़बड़ भी हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे स्लो मोशन में नहीं काम कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सिंपली देन आपको इस तरीके से टी शर्ट का कलर हो जाएगा, यहाँ पे आपको सेव वाले फिर से क्लिक कर देना। तो इस तरीके से क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे चश्मा लगाना चाहते हैं, तो चश्मा को कलर कैसे लगें, तो चश्मा का लिंक मैंने दोस्तों यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो चश्मे का जो है
फोटो आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से चश्मा यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो सिंपली दोस्तों इस तरीके से आप चश्मा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से चश्मा सेट करने के बाद आप देखिए किस तरीके से फोटो का लुक आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे काफ़ी सारे आप इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको फिर से यहाँ सही वाले निशान पे टिक कर देना है, और सही वाले निशान पे टिक करने के बाद अब इसको दोस्तों हमें गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे फिर से हमें टिक कर देना है। और इस पर टिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐड वगैरह यहाँ पे दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन है, कोई भी चार्ज नहीं लेती है, थोड़े बहुत ऐड दिखाती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सेव वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और सेव वाले आइकन पे यहाँ सेव एंड पिक्चर फोटो पे क्लिक कर देना है। अब फोटो दोस्तों ये आपकी गैलरी में सेव हो गया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।